हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं पूरा एक एपोक्सी प्लान का सेटअप यहाँ पे लगा हुआ है। ये एपोक्सी प्लान की कैपेसिटी 100 kg पर बैच है और ये पूरा रिएक्टर इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड है विथ कंट्रोल पैनल और पैट कॉलम, कंडेंसर और रिसीवर टैंक। ये सारी चीज़ मैं आपको इंडिविजुअली डिटेल में थोड़ी थोड़ी बताऊंगा। ये यहाँ पे ये जो मटेरियल लोडिंग पोर्ट है विथ व्यू ग्लास के, जिसके अंदर हम यहाँ से मटेरियल लोड करेंगे और मटेरियल लोड हो जाने के बाद में इसमें व्यूइंग भी हम कर पाएंगे। और इसको व्यू करने के लिए हमने वहाँ पे एक लाइट ग्लास भी अरेंज किया हुआ है। ये लाइट ग्लास है, ये लाइट ग्लास से हम यहाँ से रोशनी डालेंगे और वहाँ पे देखेंगे। और ये है हमारा थर्मोकपल, इसे हम टेम्परेचर मेजरमेंट करेंगे। और ये हमारा ड्रिवन साइकिल, ड्रिवन ड्राइव है पूरा। इसमें ये गियर बॉक्स है, ये मोटर है और सारी ग्लान पुशर असेंबली और ये सब कुछ इसके अंदर है। और ये रिएक्टर को पूरा गर्म करने के लिए हमने यहाँ पे इसके ऊपर हीटर लगाए हुए है। ये हीटर है, ये ऑपरेटेड बाय इलेक्ट्रिक है और ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमने ये पैनल बनाया हुआ है। जैसे कि ये पैनल को मैं स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट। ये ऑलरेडी मैंने रनिंग साइकिल लिया हुआ था तो इसमें कुछ सेट टेम्परेचर है, लेकिन अगर मैं थोड़ा डिटेल में दिखाऊं इसको खोल के, तो इसमें ELCB, MCB और पूरा वायरिंग इंडिविजुअली हीटर को कंट्रोल करने के लिए किया हुआ है। और वहाँ के जो थर्मोकपल है उसका जो टेम्परेचर और कट ऑफ सेटअप यहाँ पे लिया गया हुआ है। और ये मेन पावर ऑन ऑफ यहाँ से होता है ये, और ये इमरजेंसी स्टॉप है और ये स्टरिंग का एक बटन है, स्टरिंग बटन स्टार्ट कीजिए। ओके, ये वेसल बिल्कुल स्टार्ट हो गया है और इसके अंदर ट्रायल के तौर पे हमने पानी डाला हुआ है। ये मोटर पूरा FLP है क्योंकि ये प्रोडक्ट थोड़ा फ्लेम प्रूफ है, इसलिए आप इसको फोकस करके देख सकते हो। ये पूरा FLP मोटर है और इसके अंदर जो पानी अभी चल रहा है, मैं आपको कुछ विंडो खोल के भी अभी दिखाऊंगा। पहले एक साइकिल पूरी बता देता हूँ कि यहाँ पे ये मटेरियल अपना पूरा लोड होने के बाद में जो भी हमारा रेसिपी सेट करके हमारा जो भी पॉलीमराइजेशन बनता है, वो पॉलीमराइजेशन को हम पैट कॉलम के थ्रू, कंडेंसर के थ्रू हम उसको कूल करके यहाँ पर डालते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी ये हीटिंग साइकिल है तो यहाँ पर हमने पानी डाला हुआ है तो वो कंडेंस होके नीचे की ओर आ रहा है। ये रिसीवर टैंक में हमने व्यू ग्लास भी लगाया हुआ है तो पानी का लेवल और जो भी रिकवर मटेरियल है उसका लेवल कितना है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाल से पूरा कंट्रोल है, हम इसको खोल के और बंद करके जैसे भी रखना हो रख सकते हैं, बराबर। ये पूरा सेटअप SS316 का है, इसमें सारी चीज़ 316 की लगी हुई है। ये पूरा कम्प्लीटली 100 kg कैपेसिटी का पायलट प्लांट है और 100 kg की बेच लेने के लिए ये नॉर्मली हमें 8 से 10 घंटे का टाइम लगता है इसमें। तो मैं आपको कुछ डिटेल में दिखाना चाहूँगा अभी कि ये रिएक्टर के अंदर कैसे प्रोसेस होता है। ये अपना व्यू ग्लास है, अंदर स्टरिंग चालू है, आप देख सकते हो। ये हमने लाइट शुरू किया, हमारा जो पॉलीमराइजेशन और जो भी होता है उस वो बिल्कुल इसी तरह से होगा। ये हमने सैंपल के तौर पे पानी डाला हुआ है, आप इसको देख सकते हो, ये पूरा गर्म हो गया है और वो जो वाटर है वो इवेपोरेट होके वो पानी की भाप निकल रही है। जो अभी मैंने खोला तो यहाँ से निकल रही, वैसे तो ये कंडेंस के थ्रू वहाँ से निकलती है, बराबर। अभी इसके बाद हम जाते हैं इसके ऊपर। ये कॉलम है, ये कॉलम के अंदर ये हमने ये जैकेट बनाया हुआ है। यहाँ पे भी वाटर सर्कुलेट होता है जिसमें ये वाटर इनलेट है और ये वाटर आउटलेट है। उसके बाद में ये जो कंडेंसर में जाते हैं उस कंडेंसर के अंदर भी एक वाटर इनलेट और आउटलेट होता है। हमने सैंपल के तौर पर अभी पानी भर के रखा हुआ है, कोई लाइन कनेक्ट नहीं की हुई यहाँ पर, लेकिन उसकी जो इफ़ेक्ट आती है वहाँ से स्टीम बनता है। तो ये देखिए ये कंडेंस होके यहाँ पे
पानी गिर रहा है, तो ये सारी चीज़ ओवरऑल मिला के ये पूरा एक सेटअप है एपोक्सी का, बराबर। आप अगर कुछ भी कोई भी एपोक्सी रिलेटेड प्रोडक्ट आप इसमें बनाना चाहो तो आराम से 100 kg तक इसमें सैंपल के तौर पे बन जाएगी। थैंक यू।